असलम चैनल होम एच डी पर प्रोग्राम है सेहत की बात यासिर अब्बास के साथ और मैं हूं यासिर अब्बास जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बाखायर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे नाजिन आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वह है ऑर्थोपेडिक्स और ख़ास तौर पर हम आज बात करेंगे कुछ खास केसेस के मुतालिक और इसके लिए आज हमने मधु किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर विकाश सिंह हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज अपनी मसूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तश्फ़ तो लाए बड़ी मेहरबानी आपके यहाँ अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपकी स्पेशलिटी है सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपकी जो स्पेशलिटी है रिगार्डिंग औरपेटिक्स वो क्या क्या है और इस हवाले से बिलखसूस कराची में अगर बात की जाए तो आपको काम करके कैसा लगा और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपके लिए अब तक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं यासिर मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है जैसे आपने तारुफ कराया और एफ सी पी एस मैंने घुरकी हॉस्पिटल लाहौर से की थी प्रोफेसर आमिर अज़ीज़ साहब के पास से जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी ले चुका है जी जी तो अठारह के बाद फिर मैं कराची आ गया था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कराची में ही है और फिर कराची में मैंने आर्थ्रोप्लास्टी की फेलोशिप की जिसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट शामिल है उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया था जहाँ पे मैंने फुट की जो पाँव टेढ़े होते हैं बच्चों के पैदाइशी पाँव टेढ़े होते हैं चाहे वो पोलियो की वजह से हो या क्लब फुट कहलाते हैं या घुटने टेढ़े जीनू वेलगम वगैरह जिस तरह होते हैं इस तरह की सारी डिफॉर्मिटीज़ का कोर्स मैंने जर्मनी से किया था और साथ जर्मनी में मैंने स्पाइन की फेलोशिप की उसके बाद मैं कराची आ गया तो तकरीबन तीन साल चार साल से मैं कराची में ही प्रैक्टिस कर रहा था अभी ठीक तो डॉक्टर साहब केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली आप कैसे केसेस को डील करते हैं देखें यासर केसेस के हवाले से जो मेरी स्पेशलिटी है वो आथ्रोप्लास्टिक की है जैसे नी रिप्लेसमेंट होगी जैसे उम्र के साथ ओस्टोआथ्राइटस हो जाता है घुटने घिस जाते हैं जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल ना इस्पेली एजड हमारे जो हैं मेल हो गए फीमेल हो गए तो उसमें ऑस्टोआथ्राइटस के हवाले से क्योंकि हमारी पाकिस्तान की पापुलेशन जितनी भी है वो कोशिश करती है हमारा काम दवाई टीके के साथ चल सके बिल्कुल बिल्कुल और इस तरह चला चला के एक पेशेंट की ऐसी स्टेज आती है कि वो बेड पे आ जाता है फिर वो राजी होता है कि भाई मैंने टोटल नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की तरफ़ जाना है तो इस तरह के फ़ौर ने तो ये एक बना हुआ ट्रेंड कि भाई जब घुटने घिसना इस्टार्ट होते हैं इस ऑस्टोआथराइटस अपनी अर्ली स्टेज़स पे आती है उनकी थोड़ी भी लाइफ मुतासर होती है चाहे वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हो तो वो उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट का फ़ैसला जल्दी ले लेते हैं ताकि वो चलते फिरते ही अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके लेकिन हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है हम उस चीज़ को आगे खींच देते हैं कि जितना टाइम निकल सके निकल सके उसमें फिर क्या होता है एक बंदा जो सौ की स्पीड में चल रहा है जब तक वो बेड पे नहीं आ जाता या व्हील चेयर पर नहीं आता तब तक वो एक फ़ैसला नहीं ले पाता अगर वही बंदा टाइम पे अपना फ़ैसला ले ले और जल्दी से नी रिप्लेसमेंट करवा ले तो उसकी री या पोस्ट ऑफ केयर में काफ़ी डिफरेंस होगा एक उस बंदे के जिसने काफ़ी जल्दी ऑपरेशन करा लिया हो ये तो नी रिप्लेसमेंट के हवाले से बात हुई बाकी मेरी जो जहाँ से ट्रेनिंग है वो घुरकी हॉस्पिटल है घुरकी हॉस्पिटल में हमारे पास पूरे पंजाब की पेरी से पेशेंट्स आते थे उनमें वो पेशेंट भी शामिल थे जो हड्डी जोड़ या बोन सेटलर से इलाज करवाते थे जिनकी हड्डिया जरा से इलाज जरा से ना तो उसमें उनकी हड्डी एक तो जुड़ती नहीं थी पाँव टेढ़ा हो जाता था या पीप वगैरह आना शुरू हो जाती थी या काफी ऐसे पेशेंट्स आते थे जिन्होंने पांच छपरेशन भी करवाए हों और पीप लग गई प्लेट डली वो प्लेट निकाली फिर रॉड डाल दी फिर उसमें पीप लग गई तो वो बेचारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हड्डी अभी तक जुड़ी नहीं होती पीप की वजह से हड्डी भी गल चुकी होती है तो ऐसे पेशेंट्स अभी हम जहाँ काम करें मुर्शिद हॉस्पिटल में जब से यह सेहत कार्ड का प्रोग्राम में माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ऐसे गरीब गुरबा पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी टांगे आठ दस सेंटीमीटर तक छोटी हैं दस सेंटीमीटर एक बहुत बड़ी लेंथ होती है और साथ में पीप आ रही हो और हड्डी भी ना जुड़ी हो तो ऐसा बंदा ना ही किसी कमाने के लायक रहता है ना ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लायक रहता है तो अगर ऐसे बंदे का इलाज किया जाए तो वो सिर्फ एक बंदे का इलाज नहीं होता पूरी फैमिली के लिए वो एक सपोर्ट बन जाती है बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसे पेशेंट्स की हमारे पास तादाद काफी है और ऐसे पेशेंट्स का इलाज एलिज्रोव की टेक्निक के साथ किया जाता है एलिज्रोव झंगलिया भी आम बंदे की जबान पर इस नाम से भी मशहूर है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो इस जंगले वाली टेक्निक की मदद से हम टेढ़ा पाँव सीधा भी कर सकते हैं आठ दस सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा अगर टांग छोटी हो तो उसकी भी लेंथ बराबर कर सकते हैं और हड्डी जिनकी आठ दस साल से ना जुड़ी हो वो भी जुड़ सकती है तो ऐसे पेशेंट्स माशाल्लाह से हमने काफ़ी यहाँ पे किए हैं और ऐसे पेशेंट्स जिनके पाँव टेढ़े हों जो काफ़ी पेरीफ्री में धक्के खा रहे थे तो मुर्शिद हॉस्पिटल की सपोर्ट से माशाल्लाह से काफ़ी उनका इलाज हुआ है और उनके पाँव भी सीधे हो गए अच्छा डॉक्टर साहब अलौफ़ की अगर आपने जैसे बात की

और ऐसे बच्चे जिनका इलाज पाँव टेढ़े जो क्लब फुट कहते हैं जी जी। आम तौर पे आज के वो तो काफ़ी कॉमन हो गई है कंडीशन और उसका इलाज भी काफ़ी कॉमन हो गया है जो पोनसेटी टेक्निक होती है पैदाइशी बच्चे के अगर पाँव टेढ़े हों तो उनका पलेसर किया जाता है वीकली बेसिस पे और पाँच छः पलेसर के साथ वो पाँव बिल्कुल सीधा हो जाते हैं लेकिन कभी कभार अगर वो पलेसर सही ढंग से नहीं किया जाता या ऐसे सिंड्रोमिक बच्चे जिनके पाँव काफ़ी टाइट हों रिजिड हों और वो पलेसर के बावजूद भी ठीक ना हो पाए हों तो ऐसे बच्चों का पाँव का इलाज झंगले की मदद से हम सीधा कर सकते हैं और काफ़ी ऐसे केसेस हमने यहाँ पे किए भी हैं जिनको पाँव पे झंगला लगाया गया और अलहमदिल्ला वो पाँच छः महीने में पाँव बिल्कुल सीधा हो जाते हैं ठीक अच्छा डॉक्टर साहब चूँकि जाहिर सी बात है कि आप एक इंतहाई मसरूफ़ केजुल के डॉक्टर हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो सख्त देखने वाले हैं उनको आप ये भी बताइए कि मज़ीद आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स में हैं और मुर्शद में खास तौर पर आपके दिन क्या हैं आपके अवत्या क्या हैं ताकि अगर कोई पेशेंट आपको अप्रोच करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है मुर्शद हॉस्पिटल में मैं शाम को होता हूँ ट्यूजडे और थर्सडे को और सन्डे को मॉर्निंग होती है मेरी इसके अलावा मॉर्निंग में मैं ट्रामा सेंटर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शहीद मोहतरमा बे नज़ीर भट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा सिविल हॉस्पिटल के साथ ही और शाम को मैं डिफेंस की तरफ होता हूँ जहाँ मेरी रिहाइश है तो ये तीन सेंटर्स हैं जो मैं कवर कर रहा था भी। सर पार्क इंटरनेशनल में भी आपका है वहाँ मैं बैठता हूँ बिल्कुल जी जी क्योंकि सर आपके डोमेन्स में मैंने ये चीज़ें देखी थी तो मैंने कहा कि चले आपसे पूछूं और सर टाइमिंग्स के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें यानी मुर्शि में आपके टाइमिंग क्या है मुर्शिद में टाइमिंग संडे की मीटिंग होती है दस से बारह और ट्यूजडे को फाइव टू सेवन इवनिंग में और थर्सडे को सिक्स टू एट इवनिंग में और बाकी मैं डिफेंस में होता हूँ लाइफ केयर कंसल्टेंट क्लिनिक है और वहाँ पे होता तो हमें मंडे वेनस्डे फ्राइडे साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक ठीक अच्छा डॉक्टर साहब चूँकि हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं नॉर्मली ये चीज़ देखी गई है कि अक्सर वो लोग के जिनकी टांगें अगर छोटी हो जाती हैं या कुछ खवातीन में ऐसा देखा गया है कि मैंने ख़ुद भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है ख़ास तौर पर कि ऐसी खातन के जिनका हिप रिप्लेस्ड हो गया हो एंड देन जो है उसी टांग और हाथ की तरफ अगर स्ट्रोक भी गिर जाता है यानी फालिज अगर हो जाता है तो उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनकी लेग जो है वो शॉर्टनेस की तरफ जाती है तो आया कि ऐसी टांग को भी आ, मतलब ऑर्थोपेडिक हार्ट डाल सकता है दोबारा बिल्कुल हो सकता है लेकिन अमूमन ऐसे पेशेंट्स में जिनकी हिप रिप्लेसमेंट हुई हो उसमें अगर शॉर्टनिंग होती भी है तो ड्यूरिंग सर्जरी होती है ठीक है अगर उसमें शॉर्टनिंग हो जाती है तो अमूमन उसमें वन सेंटीमीटर या वन पॉइंट फाइव या मैक्सिमम टू सेंटीमीटर तक शॉर्टनिंग होती है और ऐसे मरीज़ों में अमूमन लेंथनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है अमूमन ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास शॉर्टनिंग के साथ वो आते हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हों एक पेशेंट का अगर एक ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हो रहा है तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स में दो सेंटीमीटर ढाई तीन सेंटीमीटर शॉर्टनिंग हो जाती है या काफ़ी ऐसे ख़राब केसेस भी जैसे ट्रामा सिविल में हमारे पास आते हैं कि पेशेंट का ट्रॉले के साथ एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर रोड पर ही आठ या दस सेंटीमीटर की हड्डी ज़ख्म से निकल के रोड पर ही गिर गई ठीक तो जैसे अभी मैंने दो पेशेंट्स अभी खैरपुर के ऑपरेट किए थे ट्रॉमा सेंटर में वो पेशेंट्स तकरीबन 18 साल के दो बच्चे थे और उनकी ऐसे ही हाई एनर्जी ट्रॉमा था उनकी 10 सेंटीमीटर बोन रोड पे गिर गई थी तो ऐसे पेशेंट्स में एलिज्रॉफ की टेक्निक से पूरी 10 सेंटीमीटर बोन आप नहीं बना सकते हो और ऐसे पेशेंट्स की टांग की लेंथ बिल्कुल मेनटेन रहेगी कोई छोटी बड़ी नहीं होगी अच्छा बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा मैं चाह रहा हूँ कि सर आपकी मौजूदगी से जो है फ़ायदा उठाया जाए और जल्द अज़ जल्द उठाया जाए डॉक्टर साहब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाते ख़ास पर अपनी बोन हेल्थ के मतलब तो ऐसे पेशेंट्स को आप या ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि खुराक के हवाले से या अपनी एक्टिविटी के हवाले से कि अपनी हड्डी की सेहत को बिलखसूस बेहतर रख सकें बिल्कुल आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा यासर आ, सेहत के हवाले से जब मैं जर्मनी में था तो वहाँ पे तीन साल का बच्चा ही साइकिलिंग स्टार्ट कर देता था माँ अलग साइकिल पे जाती थी बच्चा उस स्कूल अपने अलग साइकिल पे जाता था तो साइकिलिंग ऐसी एस ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी वो अवेयरनेस काफ़ी कम है हम अपनी डेली लाइफ में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि एक्सरसाइज या जिम वगैरह को हम टाइम ही नहीं दे पाते और खुराक भी हमारी ऐसी होती है हम सारा दिन लेडीज़ इस्पेशली बच्चे वो इनडोर गेम्स में ही रहते हैं आउटडोर हमारी कोई इस तरह की खास स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती नहीं है तो ऐसे में खुराक के हवाले से दूध दही गोश्त इन में विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है लेकिन कोई भी ऐसे पेशेंट बल्कि आते हैं हमारे पास ऐसे पेशेंट जो लगातार विटामिन डी के इंजेक्शन पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं ये बहुत ही मेल प्रैक्टिस है इवन कोई भी आम डॉक्टर के पास चला जाए तो वो कैल्शियम दे देता है जोड़ों का दर्द है आप कैल्शियम ले लो कमर में दर्द है आप कैल्शियम ले लो तो हर बीमारी का एक मखसूस नाम होता है और उसकी ख़ास इलाज होता है आप हर बंदे का इलाज कैल्शियम या विटामिन डी से नहीं कर सकते तो अगर कोई भी इस तरह अवेयरनेस जानना चाहता है कि उसका कैल्शियम विटामिन डी कितना है तो मेरा ऑडियंस को ये मशवरा रहेगा कि कोई भी अपने नज़दीकी डॉक्टर को अप्रोच करके अपने सीरम विटामिन डी थ्री लेवल्स ज़रूर करवाएं उसके बाद वो सप्लीमेंटेशन लें या छोटे मासूम बच्चे आ जाते हैं वालदेन हमें पुश करते हैं कि आप इनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे दें तो उसका बड़ा नुकसान ये होता है अगर छोटे बच्चों को आप हद से ज़्यादा विटामिन डी थ्री दे देते हो तो उनका कद छोटा रह जाता है तो हमेशा आपको डॉक्टर के मशवरे के ऊपर पहले टेस्ट करवाने चाहिए उसमें अगर उसकी कमी आती है तो उसको फुलफ़िल करना चाहिए अगर वो लेवल पे है तो आपको कोई विटामिन डी थ्री लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक अच्छा डॉक्टर साहब बिंगा औरटिक सर्जन ज़ाहिर सी बात है कि आपने मुख्तु जगहों पर काम किया और मख्त जगहों पर आपने तलीम हासिल की बिलखसूस मैं पूछना चाहूँगा सर कि मुशद हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अलहमदिल्ला बहुत ही बेहतरीन अल्लामिया ने काफ़ी खदमात ली हैं और ऐसी खदमात ली हैं कि मैं बता नहीं सकता ऐसे ऐसे केसेस जो यहाँ पे हमने किए हैं वो बाकायदा मेरा फेसबुक पेज भी है उसके ऊपर भी वो काफ़ी हैं शो किए हुए तो काफ़ी ख़राब केसेस अलहमदिल्ला ने खिदमत ली आज वो अपने बलबूते पे अपना काम काज कर रहे हैं उनके पाँव सीधे हो गए या ऐसी हड्डियाँ जिन्होंने चार चार पाँच पाँच साल से वो गरीब पड़े हुए थे ऑपरेशन के लायक नहीं थे मुर्शिद में हमारे पी फंड्स का भी एक है डिपार्टमेंट जो ऐसे गरीब गुरबा पेशेंट्स को हेल्प आउट कर देता है तो उस बेहाफ पे भी हमने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट किए जो चार साल तक ऐसे पड़े हुए थे या कोई ऐसे पेशेंट्स जिनकी हड्डियाँ पीप की वजह से पूरी गल गई थी और इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से आज उनकी हड्डियाँ जुड़ भी गई हैं और वो चल भी रहे हैं अलहदुल्ला अच्छा सर एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो आपसे आप करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बड़ा अच्छा जवाब देंगे सर आप यकीन जानते होंगे डॉक्टर अतर सिद्दीकी साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन थे ही इज इन एन एच एस यू के या ताल्लुक रहा है सर उनकी बड़ी एक दरीना ख्वाहिश थी और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कीजिए वो बड़े कायल थे कि किसी भी हॉस्पिटल में खासतौर पर अगर वो ट्रेशरी केयर है तो उसमें बोन बैंक होना चाहिए तो आप इस बात से किस हद तक इतफ़ाक़ कर हैं सर बिल्कुल बोन बैंक की हमारे पास ज़रूरत है और पूरे कराची में हमारे पास गिनती के ऊपर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर बोन बैंक अवेलेबलिटी है तो मुर्शद हॉस्पिटल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं खुजदार से लेके आप अगर आगे जाते हैं नाजमाबाद तक सीटी स्कैन मशीन कोई नहीं थी लेकिन मुर्शद में वो सीटी स्कैन मशीन अवेलेबलिटी है मतलब आप समझे खुजदार से कितनी आपकी पेरीफ्री लग जाती है यहाँ तक पहुँचने में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुर्शद हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस की गई हैं और इसके ऊपर भी हमारी बात चल रही है इन उसकी भी अवेलेबिलिटी हम यहाँ पे करवाएंगे जो मरीज़ों के लिए और मुफीद साबित होंगे इनशा बिल्कुल डॉक्टर साहब क्योंकि मैं मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश इसलिए भी थी क्योंकि यही ख्वाहिश उनकी भी थी तो उन्होंने भी बाकायदा इस बात का जो है ना वो बीड़ा उठाया लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मामले में जो पेशावर का हॉस्पिटल है आर एम आई वो बाज़ी ले गया पहले क्योंकि वहाँ पर आपके हमारे बड़े हरदिल अजीज़ डॉक्टर जो हैं डॉक्टर जिशान अली ख़ान तो उन्होंने वहाँ पर पहले इक्तदा कर ली तो इट मीन्स के पाइनियर्स में से वो हो गए बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि आपसे इस हवाले से बात की जाए क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑर्थोपेडिक के जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसकी अहमियत को कि बोन बैंक जो है वो किस कदर ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा डॉ डॉक्टर साहब एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि डॉक्टर काशिफ़ महमूद शाह साहब जो कि इस वक्त यहाँ के सी भी हैं उनको आपने कितना मावन पाया अपने काम के दौरान तो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया बल्कि मैंने जब से जॉइन किया सर ही हैं और मुझे आलमोस्ट आज साढ़े तीन साल हो गए जब सर के साथ हमारी जर्नी चल रही है और उन्हीं के बदौलत जो जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जब तक आपका सुपरवाइज़र या आपका हेड आपको सपोर्टिव बैकअप ना दे तो आप इतना काम काज नहीं कर सकते उनकी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और वो ट्रस्ट उन्होंने किया और ऐसे ऐसे केसेस उनके ट्रस्ट के बिहाफ पे मैंने किए जो अल्लाह मियाँ ने मेरे पर्दे ढके और आज अलहमदिल्ला मतलब उनकी काफ़ी सपोर्ट रही माशा सर चूँकि हम प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुके हैं गुजार सी बातें आपका वक्त बात बहुत कीमती है सर तो सेकेंड लास्ट जो मेरा सवाल है वो नन अदर दैन डॉक्टर आमिर अजीज़ के मुतल है।, है तो डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे वीवर्स के थ्रू और ख़ास तौर पर डॉक्टर आमिर अजीज़ को मुखातब करके एक अगर छोटी सी अपील कर दें तो बड़ी इनायत होगी कि वो भी मुझे अगर इंटरव्यू दे दें तो ये मेरे लिए बड़ी एक काबिल फ़ख्र बात होगी ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने यहाँ <स्याँगा> से मुझे कह दिया आमिर अजीज़ साहब मेरे सुपरवाइज़र नहीं मेरे वालद हैं और पाकिस्तान के हर उस स्टूडेंट के लिए जो ख्वाहिशमंद है कि उसकी औरथोपैडिक ट्रेनिंग अच्छी हो तो मेरा एक ही सुपरवाइज़र है वो प्रोफेसर आमिर अजीज़ साहब हैं और प्रोफेसर आमिर अजीज़ साहब जैसा सुपरवाइज़र अगर किसी को मिल जाता है एज एन आर्थोपैडिक ट्रेनिंग को तो उससे कोई खुश खुशकस्मत दुनिया में और कोई नहीं हो सकता वो इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का बेस्ट आर्थोपेडिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मेरे बेस्ट सुपरवाइज़र हैं सुपरवाइज़र नहीं मेरे वालद हैं जितनी इज़्ज़त मैं अपने वालद की करता हूँ शायद उससे भी ज़्यादा मैं प्यार उनसे करता हूँ तो उन्हीं के बदौलत आज जो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ सारी उनके मेहनत और उनका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट था जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया आज मैं वही अपने बलबूते पे प्राइवेट प्रैक्टिस में कर रहा हूँ तो आमिर अजीज साहब बहुत ही बिजी हैं उनसे गुजारिश मेरी होगी कि वो आपको टाइम दे, दे, दे कैमरे में आप कर दें तो उनका पैगाम ज़ाहरी बात है जब आगे आवाम को पहुँचेगा तो उससे भी उनको काफ़ी मदद मिलेगी जी सर मैं ये कह रहा था मैंने कहा मेरी तरफ से एक सिफारिश सर अपनी सिफारिश कर देंगे सर सर, को हम रिक्वेस्ट सर मैंने, मैंने भी टाइम दे देना बरावेस्ट में कर दूँगा तो <laughs> सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छा सर चूंकि आखिरी सवाल मेरा है वो हमेशा हमारा होता है पैगाम के मतलब तो मैं चाहूँगा कि सर हमारे नाजीन को एक खास पैगाम जो आप बहसे ऑर्थोमेटिक सर्जन देना चाहिए मेरा ऑडियंस के लिए दो हवालों से पैगाम होगा इस्पेशली वो पेशेंट जिनको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो अगर वो इस चीज़ से परेशान है कि ऑपरेशन कामयाब नहीं है नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर पिस, किसी पेशेंट के घुटने ख़राब हैं तो और उनके ख़राब घुटनों की वजह से दवाई खाने से उनका मैदा भी मुतासर हो रहा है गुर्दे भी मुतासर हो रहे हैं और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको जल्द अज जल्द, जल्द टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए एक फ़ैसला लेना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स जो काफ़ी परेशान हैं कि उनके काफ़ी ऑपरेशन हो चुके हैं टांग छोटी हो गई हो पी पा रही हो या पाँव टेढ़े हो गए हो या हड्डी जुड़ी ना हो तो एलिज्रोव टेक्निक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है लेकिन बदकिस्मती से पूरे कराची में कुछ गिनती के बंदे हैं जो एलिज्रोव सही ढंग से कर सकते हैं लेकिन अलहमदुल्ला काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने ऑपरेशन किया वो काफ़ी बेहतर हैं आप मेरे फेसबुक पे पेज पे भी पे जा सकते हो जो डॉक्टर विकास डॉक्टर सिंह ऑपरेशंस के नाम से फेसबुक पेज पे है उसमें काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस मौजूद हैं जिनकी टांग आठ दस सेंटीमीटर छोटी थी वो टांग भी बराबर हो गई हड्डी भी जुड़ गई और टेढ़ापन भी ख़त्म हो गया तो ऐसे मरीज़ भी रबता कर सकते हैं और अला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें सबको सेहतियाबी बख्शे आमीन सम्मा आमीन डॉक्टर साहब एक बार फिर इंतहाई मशहूर इंतहा ममनून के आपने वक्त दिया वेरी स्पेशली थैंक्स टू यू सर you, मैं आ, यकीन कीजिए कि इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कंडक्ट यूर इंटरव्यू सर ये आज तक मैंने किसी को नहीं कहा लेकिन यू आर दौनली वन सर कि जिसे मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ अल्लाह तला आप सबको सलामत रखे सर और जिस तरह से आप इस को कौम की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताली आपको मजीद इस्तकामत दे सर और इसी तरह आप जो है वो आगे बढ़ते रहें और आप जैसे इस वक्त जितने भी नौजवान हैं जो इस वक्त मुल्को कौम की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबक हमारे सरों पर सलामत रखे सर इतहाई मशहूर सर के आपने वक्त दिया इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कंडक्ट योर इंटरव्यू आई से इट अगेन सर थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच सर जी हाँ नाजरीन ये थे डॉक्टर विकास सिंह ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके अपने मेजबान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज